कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। राहुल ने चुनावी प्रचार के चलते गुजरात के अंजार में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए कहा, मोदी जी गुजरात में जब भी भाषण देते हैं तो उनके आधे से ज्यादा भाषण में मेरा और कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र होता है। राहुल ने कहा कि ये चुनाव न मोदी जी के लिए है न राहुल गांधी के लिए है, ये गुजरात की जनता के भविष्य के लिए है और मोदी जी के भाषण में मैंने गुजरात की जनता के लिए कुछ नहीं सुना है। भाषण में 60% समय मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, कांग्रेस पार्टी ये है, कांग्रेस पार्टी वो है। देखिए, ये जो चुनाव है ये ना बीजेपी के बारे में है, ना कांग्रेस पार्टी के बारे में है, ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, ना राहुल गांधी के बारे में है। ये एक चुनाव जो है ये सिर्फ एक चीज के बारे में है, गुजरात की जनता के भविष्य के बारे में। और कल पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने आपके भविष्य की बात नहीं की। राहुल ने फिर सीधा हमला मोदी के गुजरात मॉडल पर किया। गुजरात मॉडल का मतलब जो गुजरात को लोग चलाते हैं उनकी बिजली उनको वापस देना, ये है गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी जी का मॉडल 45,000 एकड़ एक उद्योगपति को, 33,000 करोड़ रुपए टाटा नैनो प्रोजेक्ट, इनके 10-15 मित्र हैं और सबका सब ये इनके लिए करते हैं। नैनो फैक्ट्री लगाई 33,000 करोड़ रुपए, वो नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं था, वो आपका पैसा था। 35,000 करोड़ रुपए, सुनिए, 35,000 करोड़ रुपए में हमने मनरेगा चालू किया। पूरे देश में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगे थे, उतना ही पैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रदेश में एक कंपनी को पकड़ा दिया। जैसे ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर हम पॉलिसी बना देंगे किसान का कर्जा माफ करने के लिए। साथ ही राहुल ने अपनी बहन से हुई बात की भी चर्चा की और कहा कि आप गुजरात के लोगों ने मेरी आदत खराब कर दी है, मेरा वजन बढ़ रहा है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी बहन मेरे घर आई, और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मतलब, कहती है किचन में गई, कहती है सब कुछ तुम्हारे किचन में गुजराती है, खाकरा गुजराती, अचार गुजराती, मूंगफली गुजराती। तो आपने पिछले 2 महीने में मेरी आदतें खराब कर दी हैं, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वेन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।